इनको का मतलब नहीं पता, मैंने सोचा बता दूं। इसका मतलब है हाँ मेरे महबूब। और बोलो लड़कियों, इमोशनल डैमेज। लो मैम, मैंने गाड़ी पार्क कर दिया। अच्छे से किया? अच्छे से कर दी। वैसे वो नीचे गाड़ी पार्क कर रहा था तब वो खन्ना साहब जो है ना पहली मंजिल वाले, वो कह रहे थे कुछ गुस्से में, ऐसे हमको अंग्रेजी में बोल दिया, फक्यू कह दिया हमको। पता नहीं इसका मतलब क्या है, क्या बोले हमको। अरे वो तुम्हें धन्यवाद कह रहे थे। धन्यवाद कह रहे थे? हाँ। क्या मैं फालतू में उनको बुरा आदमी समझ रहा हूँ? बताओ, इतने अच्छे आदमी। चलो कोई बात। अच्छा सुनो, इस बार सैलरी में 5,000 रुपए ज्यादा ले लेना। 5,000? क्यों, क्या हो गया? अरे तुम बहुत अच्छे से काम करते हो इसीलिए। 5? मेरा सब कुछ सही हो जाएगा। तुम अब क्या बोलूं, मेरे घर वाले सब सही हो जाएंगे। और आप इतनी मदद कर रहे हो हमारी, थैंक यू सो मच मैम। नहीं मतलब कौन करता है आज के जमाने में। आपने इतनी सारी बार इतनी सारी मदद की है तो हर बार के लिए हर बार फक यू, मतलब फक यू, फक फका फक यार। मतलब क्या बोलूं आपको, लेट्स फक आउट मैम। मैम इतना सारा फक मैं किसी को कर ही नहीं सकता यार। भले ही मुझे जान क्यों ना देनी पड़े, मगर मैं सारे सच आपके सामने लाकर रहूंगा, ये मेरा फर्ज है। पहली बात, अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे कहे कि मैं आज के बाद तुमसे कभी बात नहीं करूंगी तो कहिए ठीक है। और अगर वो पूछे क्या तुम इसकी वजह नहीं जानना चाहोगे तो बोलिए ना, मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूं। दूसरी बात, गुटखा खाने वाले लोग बड़े ही संस्कारी होते हैं, वो हमेशा शांत और मौन में रहते हैं। थूक कर सिर्फ तभी बात करते हैं जब उनकी बात की कीमत गुटखा से ज्यादा हो, वरना तो हाँ नहीं जवाब देते। तीसरी बात, जितना हो सके उतना ज्यादा खुश रहो उन सब लोगों के लिए जो लोग तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते। चौथी बात, कभी भी खुद के बारे में बुरा मत सोचो, क्योंकि ऊपर वाले ने ये काम हमारे रिश्तेदारों और पड़ोसियों को दिया। पांचवी बात, औरत गर्लफ्रेंड वाइफ बीवी पत्नी घरवाली इन सब में क्या फर्क होता, तो इतना ज्यादा मत सोचिए क्योंकि सिर्फ नाम ही अलग अलग है, मुसीबत एक ही है। बात तो सही है। इतनी खुशी मुझे आज तक। ये बताइए, मर्द खूबसूरत होता है या औरतें खूबसूरत होती हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मर्द खूबसूरत होता है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा जी, मर्द इसलिए खूबसूरत है किस लिए कि खुदा ने मर्द को जो है खूबसूरत बनाकर भेजा है। अच्छा, और औरतों को जो है खूबसूरत बनाया जाता है। वो कैसे? इंसानों द्वारा। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो कई कारखाने आपको मिल जाएंगे जहाँ पे औरतों को खूबसूरत बनाया जाता है। उन कारखानों को जो है ब्यूटी पार्लर कहा जाता है। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। जब औरतें अजीब समूह लेकर वहाँ जाती हैं तो उनकी कायदे से लीपापोती की जाती है, तब वो थोड़ा सा चमकती हैं। कई कारखाने चल रहे हैं जहाँ पे उनकी पेंटिंग पुट्टी बनाई जाती है, वो कारखाने सबूत दे रहे हैं कि औरतों को जो है खूबसूरत बनाया जाता है। This is waning, is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining? सीधे सीधे पूछते हैं, देगी क्या? Is this entertaining? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।